सो भाई समझना, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को मैंने जो है आपको डिटेल में लाइव आकर सारी डिटेल में बता दिया था, बट अब जो है एक आपको पूरा का पूरा निचोड़ देता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में 2 से 3 मिनट में किस तरीके से समझोगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो आया है सीबीएसई ने कल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप उसमें से भी चेकआउट कर सकते हो, पूरी प्रॉपर ढंग से रीड आउट कर सकते हो। तो भाई सीबीएसई का जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उसमें कहना है कि हम जो है एक स्कूल को हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो एक कमेटी बनाए, उस कमेटी के अंदर टोटल 7 लोग होंगे। 7 लोग में कौन कौन सा होगा, 5 तो होंगे आपके स्कूल के टीचर होंगे, 5 आपके स्कूल के टीचर 5 सब्जेक्ट्स के होंगे। एक होगा भाई हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, एसएसटी के और इसके अलावा साइंस के। तो भाई पांच पांच मेंबर ये हो गए, प्लस में बोला गया है कि भाई 2 मेंबर दूसरे स्कूल के रहेंगे। ये इसलिए कहा गया है कि भाई 2 मेंबर बाहर के भी रहेंगे तो इससे है ना थोड़ा सा रिजल्ट को डिसाइड करने में जो फेयर तरीके से हो पाएगा, उसमें कोई बाइजिंग नहीं की जाएगी, चोरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि भाई बाहर के स्कूल के मेंबर रहेंगे थोड़ा सा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगी। इसके अलावा बोला है कि भाई 1 मेंबर और रहेगा प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो जिम्मेदारी लेंगे चेयरपर्सन की, इस कमिटी के चेयरपर्सन जो होंगे स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। तो ये टोटल जो है 8 मेंबर है लगभग, ये 8 मेंबर आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाले हैं। अब भाई ये 8 मेंबर रिजल्ट डिसाइड कैसे करेंगे वो चीज समझो। अब इन 8 मेंबर में बोला गया कि भाई बच्चों का जो है 100 नंबर का पेपर होता है। अभी 100 नंबर को बोला गया कि भाई हम अभी तक जो होता था कि भाई 20 नंबर जो है स्कूल वाले देते थे, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिलते थे। तो बोला सीबीएसई ने कि भाई अभी भी जो है ये 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के बेस पे ही मिलेगा। अब मुद्दा है ये भाई 80 नंबर की लड़ाई है। अब इस 80 नंबर के लिए बोला सीबीएसई ने हम जो है 80 नंबर बच्चों को किस तरीके से देंगे वो जो ये कमेटी बताएगी उस हिसाब से। अब इसको इस कमेटी कैसे काम करेगी उसके लिए सीबीएसई ने निर्देश दिया कि भाई 80 मार्क्स जो है ना इसको तोड़ दो कैसे, 10 मार्क्स प्लस में 30 मार्क्स प्लस में 40 मार्क्स, ये टोटल मिलकर बनेगा भाई 80 मार्क्स। अब बोलोगे भाई ये कैसे कैसे तोड़ा, तो आपको बोला गया कि भाई इसमें पीरियोडिक टेस्ट जो हुए हैं आपके, जो यूनिट टेस्ट जिसको बोलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लिया गया था, उसमें से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे भाई घबराओ मत, अभी सबका सबके सवालों का जवाब दूंगा। यहाँ जो आगे जो है 30 मार्क्स आपको मिलेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, जो मिड टर्म एग्जाम है हाफ ईयरली एग्जाम के बेसिस पे मिलेंगे 30 नंबर। अब उसके बाद जो है प्री बोर्ड जो हुए थे उन सब के बेसिस पे जो है आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। अब भाई कुछ बच्चों का कहना होगा मैंने कोई सा ये प्री बोर्ड नहीं यूनिट ये पीरियोडिक टेस्ट दिया ही नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट जो था मैं उसमें अब एबसेंट था। तो भाई एबसेंट थे तो घबराओ मत, उस सिचुएशन में क्या करेंगे स्कूल वाले, मेरा जो अनुमान है वो यहाँ से मार्क्स कंसीडर कर लेंगे। अब कोई कहता है मैंने ये भी नहीं दिया, इनमें से कोई सा भी एग्जाम नहीं दिया, ना हाफ ईयरली दिया, ना प्री बोर्ड दिया, ना पीटी दिया, इनमें से कोई एग्जाम नहीं दिया। तो भाई उसके लिए सीबीएसई ने बोला स्कूल वालों की अगर कोई स्कूल वाले ऐसे हैं जो एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करा पाए या बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाया एग्जाम को, तो उसके लिए क्या करेगा स्कूल वाले फिर से एग्जाम रखवाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी एग्जाम हो सकता है, लेकिन अभी के हालात के अनुसार ऑनलाइन ही लिया जा सकता है एग्जाम। तो ऑनलाइन एग्जाम रखा जाएगा और वो 1-to-1 एग्जाम होगा, आपको कॉल किया जाएगा, पर्सनली मीटिंग में बुलाया जाएगा, गूगल मीट पे बुलाया जा सकता है, जूम पे बुलाया जा सकता है, फोन कॉल पे हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे हर सब्जेक्ट का, छोटा छोटा होगा, बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे। सो घबराने की जरूरत नहीं, उसमें आपको परफॉर्म करना होगा और उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब कोई कोई बच्चा कहता है कि भाई मेरा जो है ना प्री बोर्ड 2 हुए थे, मेरे प्री बोर्ड 2 हुए थे, 2 में से 1 में मेरे अच्छे नंबर आए, 1 में अच्छे नंबर नहीं आए। अब कोई कहता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी मेरे 2 हुए थे, यूनिट टेस्ट तो मेरे पास 10-12 हुए थे। तो भाई उसके लिए देखो क्या बोला गया है कि भाई ये स्कूल को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर जो जिसके स्कूल में मान लो 3-4 प्री बोर्ड हुए या फिर कई सारे पीरियोडिक टेस्ट हुए, तो वो जो है स्कूल की कमिटी 8 मेंबर की कमिटी जो है ये डिसाइड करेगी कि भाई उनको एवरेज मार्क्स सबका लेना है या फिर बेस्ट लेना है। जैसे मान लो 3 प्री बोर्ड हुए, 3 में से मैथ पहले वाले में मेरे मैथ्स में मार्क्स मान लो 80 में से 70 आए, दूसरे में 78 आ गए, तीसरे में 79 आ गए, तो ये स्कूल को जिम्मेदारी दी गई कि भाई एवरेज भी लिया जा सकता है, टॉप भी लिया जा सकता है, ये डिपेंड करेगा भाई स्कूल की कमेटी के ऊपर, इसमें अभी आप कुछ नहीं कह सकते हो। अब भाई ये स्कूल को जो है ना ये नंबर सारे के सारे इवेल्युएट करने मतलब डिसाइड करने के बाद जो है सीबीएसई तक पहुंचाना है। अब सीबीएसई ने ये भी बोला है अगर कोई स्कूल चोरी करता है इस नंबर में, अगर कुछ गड़बड़ लगी हम रीचेक करवा सकते हैं, रीचेक करवाने में अगर फ्रॉड पकड़ा गया तो उस सेंस में हम क्या करेंगे स्कूल का एफिलिएशन कैंसिल कर देंगे, हाई पेनल्टी लगाएंगे। तो भाई ये बोला गया। अब सेकंड मुद्दा ये है कि भाई अगर मान लो कि कोई बच्चा इस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठ रहा हो, जो सीबीएसई ने बोला है उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठ रहा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो ऑनलाइन असेसमेंट कराएंगे, कोशिश करेंगे भाई ऑनलाइन असेसमेंट कराए उससे पास कर दे बच्चों को, अगर वो
भी नहीं हो पाया, उसमें भी अगर डिसेबिलिटी बच्चा है, कोई अगर फिजिकली डिसेबल या किसी कारण से डिसेबल है, तो उसको बोला गया कि भाई उसको उसका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, उसको पोर्टफोलियो या कोई असाइनमेंट वगैरह दे दिया जाएगा, वो बना कर देगा, उसके बिहाफ पे पास कर दिया जाएगा। अगर इसमें भी कोई फिट नहीं बैठता तो उसको दो चांस दिया जाएगा, एक तो ये कि भाई 10th क्लास रिपीट कर ले, अगर रिपीट नहीं कर पाएगा तो दूसरा चांस ये है कि कंपार्टमेंट वालों के साथ तू एग्जाम दे दियो। अब बोला जाएगा भाई कंपार्टमेंट का एग्जाम कब लिया जाएगा, तो भाई कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है, जब ये सीबीएसई का एग्जाम, जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, वो भी स्कूल वाले ही कराएंगे, स्कूल वाले ऑनलाइन ही होगा वो एग्जाम, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, सब्जेक्टिव इस बार कुछ भी नहीं है। ये भाई 2021 के लिए था, जो अभी बच्चे 10th में थे, अभी जो 10th में आए उसके लिए बातचीत नहीं हो रही, वो घबराओ मत भाई। तो भाई ये जो है आपका क्राइटेरिया है, इस तरीके से जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब अगर कोई बच्चा जो है इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो जब ये एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद जो है सीबीएसई फिर से एक बार पोर्टल खोलेगी कि भाई जो जो जिन जिन को जो जो मार्क्स हमने दिया है, अगर उससे आप हैप्पी नहीं हो तो हम दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आप उससे जो है आप दोबारा एग्जाम दो, हम आपको आपको चांस दे रहे हैं, आपको फर्दर जो है प्रोसीड करेंगे, उसमें कैरी ऑन करेंगे। अब भाई रिजल्ट वगैरह कब आएगा वो डेट समझ लो, सीबीएसई ने बोला है कि भाई आपको जो है ये कमेटी जो है ना 5 मई तक बन जानी चाहिए, जो कमेटी बनानी है वो 5 मई तक बन जानी चाहिए। अब भाई कमेटी बन जाएगी, कमेटी किस तरीके से काम करेगी, हर एक बच्चे के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाएगी जिसको रैशनल डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किया है, उस डॉक्यूमेंट में आपका पेज नंबर 13 से लेकर 17 तक जो डॉक्यूमेंट है उसको रैशनल डॉक्यूमेंट बोला गया है, उसमें स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, सारी डिटेल एक एक भरी जाएगी। तो भाई रैशनल डॉक्यूमेंट जो है 11 मई तक बन जाएगा। अब 11 मई तक बनने के बाद जो है ना, जो आपका ये स्कूल वाले जो है मार्क्स डिसाइड करेंगे 15 मई तक जो है मार्क्स डिसाइड करेगी, ये सॉरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेगी, 15 मई तक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। इन केस डॉक्यूमेंट तैयार होने का मतलब है कि भाई मार्क्स डिसाइड हो जाएगा किस बच्चे के कितने हैं। इन केस अगर मान लो कोई बच्चा फिट नहीं बैठ रहा इस क्राइटेरिया में, तो अगर एग्जाम कंडक्ट कराना है तो 15 मई के आसपास कराएंगे, 15 मई के आसपास एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो भाई जो बच्चे ये एग्जाम अभी तक नहीं दे पाए हो, उनके लिए खास वार्निंग है कि भाई 15 मई के आसपास आपके एग्जाम हो सकते हैं, तो जो सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे वो अब 10th के लिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन जिनका भाई प्री बोर्ड वगैरह जक्कास गया, वो फुल मौज में जो है मौज कैप्टो, आराम से 11th की पढ़ाई शुरू करो, उसके लिए आप घबराओ मत भाई। तो 15 मई को जो है आपका जो 15 मई के बाद जो है कोई असेसमेंट वगैरह अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेना है तो स्कूल वाले ले सकते हैं। उसके बाद जो भाई 15 मई के बाद जो है 26 मई तक जो है स्कूल वाले फाइनलाइज कर लेंगे मार्क्स कि भाई अब ये मार्क्स जो है सभी बच्चों के हैं, और उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो कर लेंगे। उसके बाद जो भाई 6 जून को मार्क्स जो है अपलोड करना होगा स्कूल वालों को, कहां, सीबीएसई के पोर्टल पे। ये आखिरी डेट है, आगे फर्दर डेट्स वगैरह एक्सटेंड करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसी डेट तक जो है आपको जो अपना आपका मार्क्स जो है सीबीएसई तक पहुंच जाएगा। 11th जून को सीबीएसई उस मार्क्स को वेरीफाई कर लेगी, और वेरीफाई करने के बाद जो है 11th जून को ही जो है स्कूल वाले इंटरनल असेसमेंट, ये जो 20 मार्क्स है इस 20 मार्क्स को भी सीबीएसई के पास भेज देंगे। 80 मार्क्स जाएगा 6 जून को और 20 मार्क्स का जो मार्क्स है वो 11 जून तक जाएगा। अब उसके बाद 20th जून को जिस चीज का हमें इंतजार है वो हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारी भाई अब हमारा इंतजार रहेगा 20 जून को, तो इससे पहले 15 जून को कुछ बच्चों का रहेगा क्योंकि भाई एग्जाम वगैरह हो सकता है, लेकिन 20 जून को अब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो होप सो भाई चीजें समझ में आई होगी। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली सभा में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, गुड बाय, टेक केयर।